मंच पे किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं होता है, कोई भी चढ़ावा नहीं। और ना मानो तो कह दो पानी, और जो पानी मानते हैं उन्हें लाभ ही नहीं होता, पानी ही नहीं जाता है। और गंगा के किनारे पे रहने वाले लोग गंगा जी में कुल्ला करते, लेकिन हम लोग जो गंगा जी पे जाते हैं तो हम गंगा जी की पूजा करते, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमें भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है ये गंगा माँ है। ऐसे ही भगवान की हम सबके ऊपर दिया, त्रिवर काश के लोग बैठे हैं, मानव जन्म भगवान ने दिया है, और मानव जन्म के साथ साथ सत्संग का और कथा सुनने का अवसर दिया, तो भगवान की ओर से कृपा तो पूरी हो गई है। अब हमें अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है कि जो मिला है उसका उपयोग करना। मानव जन्म की महिमा शरीर को लेकर के नहीं है, इस ढांचे को लेकर नहीं है, मानव जन्म की महिमा है जीवन के सदुपयोग की, कि आप अपने जीवन का कितना सदुपयोग करते हैं। हमारे जीवन का सदुपयोग यही है कि हम अपना जीवन देश धर्म सेवा उपकार में लगाएं, साधन भजन सत्संग कथा में लगाएं, अपना कल्याण कर ले, यही जीवन का सदुपयोग है। और वो मौका आज 7 दिन का कुछ कमाई करने का अवसर मिला है, इस सत्संग के माध्यम से आप अपने राम नाम की पूंजी कमा सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि भागवत की कथा सुनने का अवसर, आज पहला दिन है भागवत कथा का, तो हम पहले दिन में आपको भागवत कथा के इस माध्यम में भागवत की महिमा बताएंगे, भागवत की महात्म्य की कथा। और महात्म्य में ये बताया जाता है कि इस कथा को क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, सुनने से क्या लाभ होगा, क्या कभी किसी ने ये भागवत कथा सुनी थी, क्या कभी किसी को इस कथा के सुनने से लाभ हुआ था, ये सारी बातें भागवत के महात्म्य में आ जाएगी। सबसे पहले बात आती है श्रीमद् भागवत महापुराण, और श्री का मतलब होता है मंगलमय, शक्ति स्वरूप, मद माने होता है बड़ा। तो क्या भागवत आकृति में बड़ा है, श्लोकों में बड़ा है? नहीं, आकृति में बड़ा है ना श्लोकों में बड़ा है, ये प्रभाव में बड़ा है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? भगवान। भगवान से बड़ा कोई है क्या भैया जी? अन्य ग्रंथों के अंदर, प्राणों के अंदर सृष्टि का वर्णन मिलेगा, व्रतों का वर्णन मिलेगा, व्रतोपवास का वर्णन मिलेगा, राजा की कथा गाथाएं मिलेंगी, कहीं कहीं बीच बीच में भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है।
लेकिन भागवत महापुराण ऐसा है कि भागवत के पहले स्कंद से लेकर के बारहवें स्कंद तक भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान की ही लीलाओं का वर्णन किया गया है। यानी विशेष का संबंध भागवत का भगवान के साथ है, और जिसका संबंध भगवान के साथ हो जाता है वो महान हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इसने भागवत का संबंध सीधा भगवान के साथ है, इसने भागवत महापुराण है। भागवत का क्या अर्थ होता है? भागवत भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग को देने वाला जो पुराण है उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक बात हो, भागवत क्या है? भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक ही नहीं है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, वाममय मूर्ति है, सद्गुरु।